आज की इस वीडियो में होंगे कुछ ऐसे कमाल के टूल्स जिन्हें की खासतौर पर एक स्पेशलाइज यूज के लिए बनाया गया है। शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। नंबर 9, वाइकिंग आर्म हैंडहेल्ड जैक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो जैक्स होती हैं उन्हें ज्यादातर चीज और सामान को ऊपर की तरफ उठाने के लिए किया जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी छोटी चीजें होती हैं जो कि साइज में तो छोटी रहती हैं लेकिन उन्हें प्रिसाइजली उठाना अपने आप में काफी चैलेंजिंग होता है, और ऐसे में बड़ी बड़ी जैक्स आपके काम नहीं आती। फिर वो चाहे फ्लोरिंग का काम हो या फिर दीवार पर पीवीसी पैनल्स लगाना हो, इन सभी काम के लिए आपको एक छोटी सी ऐसी जैक चाहिए होती है जिससे कि आप पैनल को सही तरीके से ऊपर की तरफ उठा पाए। तो दोस्तों, इस गैजेट को खासतौर पर बनाया गया है इसी काम के लिए जिसमें कि ये एकदम माहिर रहेगा। ये साइज में बेहद छोटी सी जैक होती है जिसे कि आप हाथों की सहायता से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल फ्लोरिंग करने में किया जा सकता है, साथ ही अगर आप छोटी मोटी चीजों को ऊपर की तरफ उठाना चाहते हैं तो उसमें भी ये जैक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। इस तरीके की जैक की जरूरत हो सकता है प्रोफेशनल कामों में आपको थोड़ी सी कम ही पड़े, लेकिन घर में इसका यूज काफी ज्यादा रहता है क्योंकि अक्सर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि काफी भारी होती हैं, और ऐसे में जैक आपकी काफी हेल्प करने वाली है। नंबर 8, डेटा प्रो डिजिटल मेजर टेप। मेजरमेंट टेप एक ऐसा टूल है जिसकी जरूरत हमें कभी न कभी तो पड़ती ही रहती है, और घरों में इस चीज के यूज भी काफी ज्यादा होते हैं क्योंकि अक्सर आपको चीज और सामान को नापना वगैरह पड़ता है, जिसके लिए अगर आप चाहें तो इस तरीके की टेप को इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल मेजरमेंट टेप की बात करी जाए तो उनकी एक्यूरेसी को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस मेजरमेंट टेप में इस बात का सोल्यूशन दे रखा होता है कि इसमें एक्यूरेसी आपको काफी बेहतर मिलती है क्योंकि इसमें ऊपरी हिस्से पर आपको एक छोटी सी डिजिटल डिस्प्ले दे रखी होती है जहां पर आप रीडिंग को रीड कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, ये आपके मोबाइल फोन से भी सिंक रहता है जिसके ऐप में आप काफी सारा डेटा देख पाएंगे और इसे कस्टमाइज भी कर पाएंगे, और जो कुछ भी आप मेजर कर रहे हैं वो सारा का सारा डेटा आपके मोबाइल फोन पर खुली हुई स्प्रेडशीट में फौरन से सिंक हो जाएगा जिससे कि आपको डेटा मेंटेन करने में काफी हेल्प मिलती है। वहीं दोस्तों, ये वॉल के कॉर्नर्स पर काफी अच्छी तरीके से मेजरमेंट कर सकता है क्योंकि इसमें एडवांस सेंसर्स दिए होते हैं जो कि अच्छी तरीके से ये पता लगा लेते हैं कि जिस हिस्से पर टेप नहीं है वहां पर बॉडी की लेंथ क्या है, और आपको फाइनल जो मेजरमेंट देखने को मिलेगी वो बॉडी टेप की लेंथ के साथ ही मिलती है, जिससे कि खिड़की दरवाजों और काफी जगहों पर इसे इस्तेमाल करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। डिजिटल होने की वजह से एक्यूरेसी तो काफी बेहतर रहती है और साथ ही साथ इस्तेमाल करना भी बेहद आसान रहता है, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 7, क्वार्ट्स स्क्वायर होल ड्रिल कटर। अगर आप अपने घर में फॉल सीलिंग का काम कराते हैं या फिर पीवीसी के पैनल्स लगवाते हैं तो लाइट लगवाने के लिए आपको फॉल सीलिंग में होल करना पड़ता है जो कि ज्यादातर आपका स्क्वायर शेप में होता है। इस काम को करना काफी टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि फॉल सीलिंग काफी ही नाजुक होती है, और ऐसे में अगर आप हल्का सा भी प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर देते हैं तो हो सकता है सीलिंग आपकी टूट जाए, लेकिन इस गैजेट की मदद से इस काम को बहुत ही आसानी से और सेकंड्स में किया जा सकता है। देखा जाए तो ये एक तरीके का अटैचमेंट होता है जो कि स्क्वायर शेप में होल करने के लिए बनाया गया है। इसे आप किसी भी ड्रिल मशीन के साथ बड़ी ही आसानी से अटैच कर पाएंगे, और जहाँ पर भी आप स्क्वायर शेप में होल करना चाहते हैं तो बस इसे कस्टमाइज करिए और आप दीवार पर आसानी से होल कर सकते हैं। तो बेहद आसान रहता है इस तरीके के गैजेट से दीवार पर या छत पर होल करना, जिससे कि लाइटिंग का काम आसानी से किया जा सकता है। नंबर 3, 3M हैंड मास्कर। जब भी खिड़की दरवाजों में पेंटिंग का काम किया जाता है तो ऐसे बहुत से हिस्से होते हैं जहां पर हमें पेंटिंग नहीं करनी होती है, फिर वो चाहे ग्लास का पोर्शन हो या फिर ऐसी ही और भी काफी सारी जगह। ऐसी जगहों को ढकने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के टेप का, जिसे कि आप इस मशीन की सहायता से आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली तो इस काम को काफी टफ माना जाता है क्योंकि आपको चीजों को बहुत अच्छी तरीके से कवर करना होता है, लेकिन इस गैजेट के माध्यम से आप ये काम बहुत ही आसानी से और कम समय में कर सकते हैं। ये एक तरीके का ऐसा टेपिंग गैजेट होता है जिसे कि आप आसानी से पेपर को अप्लाई कर सकेंगे किसी भी सरफेस पर, जिसे कि पेंटिंग के बाद दोबारा निकाला जा सकता है। इस गैजेट की खास बात यही होती है कि ये बहुत ही आसानी से टेपिंग का काम कर देता है, जिसे कि समय काफी हद तक बच जाएगा। नंबर 5, मैन सेवर पोस्ट ड्राइवर। अगर आपको एक पाइप को जमीन में गाड़ना हो तो आपको अच्छा खासा गड्ढा करना पड़ेगा, जिसके बाद ही आप उस पाइप को गाड़ सकते हैं, या फिर अगर आप हैमर की सहायता से उसे गाड़ना चाहते हैं तो आपको अच्छा खासा समय भी लग जाएगा। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा गैजेट दिखाने वाला हूं जो कि ये हैमर का काम चुटकियों में कर देगा। जी दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा पोस्ट ड्राइवर होता है जिसे कि इसी काम के लिए बनाया गया है कि आसानी से हैमर की मदद से पाइप वगैरह को जमीन पर गाड़ सकेगा। बस आपको जिस भी पाइप को जमीन पर गाड़ना है उस पर इसका एक अटैचमेंट फिट कर देना होता है, जिसके बाद ये 70-75 स्ट्रोक्स पर मिनट हैमर करता है उस पाइप पर, जिससे कि वो आसानी से जमीन के अंदर धस जाएगा। तो ये बहुत ही आसान काम होता है जिससे कि आपको गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और साथ ही ये काम आपका काफी कम मेहनत में कर देगा। तो दोस्तों, इस गैजेट का इस्तेमाल खासतौर पर कहीं पर पोस्ट वगैरह को तैयार करने के लिए किया जा सकता है, या फिर टेंट वगैरह सेटअप करने के लिए भी ये गैजेट काफी हेल्पफुल रहेगा। नंबर 4, डेक प्रो टूल।
कारपेंटिंग के दौरान ज्यादातर लकड़ियों को कील की मदद से ही आपस में जोड़ा जाता है। ये काम काफी ज्यादा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि जब आप कीली को ठोकने का काम करते हैं तो ऐसे में काफी ज्यादा रिस्क होती है चोट लगने की, और कभी कभी अगर कीली टेढ़ी हो जाती है तो लकड़ी टूट भी सकती है। तो अब मैं आपको एक ऐसा गैजेट दिखाने वाला हूँ जिससे कि ना सिर्फ कीली ठोकने का काम जल्दी से किया जा सकता है बल्कि आप इस काम को सेफली भी कर सकते हैं। इस गैजेट की खास बात यह होती है कि इसे आप किसी भी लकड़ी के सर्फेस पर टाइट कर सकते हैं और जब भी आपको कीली लगानी हो तो बस इसके दोनों हिस्सों पे आप कीली इंसर्ट कराकर उसे अच्छी तरीके से हैमर कर पाएंगे। तो ये गैजेट बेहद सिंपल होता है जिससे कि कारपेंटिंग का काम बहुत आसान बन जाएगा। नंबर थर्ड, इलेक्ट्रिक ड्रिल प्लेट कटर। स्टील की जो चादर होती है वो काफी मजबूत होती है जिससे कि काटना अपने आप में काफी चैलेंजिंग काम होता है। इस काम के लिए लोग बड़ी बड़ी कैंचियों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन कैंची का इस्तेमाल वो एक दो बार ही कर पाते हैं क्योंकि उसके बाद पूरी धार उसकी खराब हो जाती है और उन्हें फिर से धार रखवानी पड़ती है। तो ये प्रॉब्लम अक्सर देखी जाती है उन लोगों के साथ जो कि लोहे का काम करते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा इजी गैजेट दिखाने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप आसानी से स्टील प्लेट्स वगैरह को काट पाएंगे। जी हां दोस्तों, ये एक तरीके का अटैचमेंट होता है जिसे कि आप अपनी एग्जिस्टिंग ड्रिल मशीन के साथ अटैच कर सकते हैं। इसके निचले हिस्से पर पावरफुल ब्लेड्स लगे होंगे जो कि आसानी से मोटी स्टील चादर को काट सकेंगे। इसे इस्तेमाल करना भी बेहद आसान रहता है क्योंकि ये आपकी ड्रिल मशीन के साथ ही अटैच हो जाती है जिससे कि कटिंग का काम आप सेकंड्स में कर पाएंगे। ये गैजेट एक जगह काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा कि अगर आप किसी भी शीट को हल्का सा राउंडेड शेप में काट रहे हैं तो वहां पर आप प्रिसाइसली उसे अच्छी तरीके से शेप दे सकते हैं। नॉर्मल हाथों से या फिर किसी कैची से इस काम को करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है लेकिन ये गैजेट अपने काम को बहुत ही आसानी से कर सकेगा। नंबर सेकंड, SK16 ब्लेड कटर। अब मैं आपको एक ऐसा कटर दिखाने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल आप काफी सारी जगहों पर कर सकते हैं अलग अलग मटेरियल्स को काटने के लिए। इस कटर की खास बात ये रहती है कि ये आपको काफी सारे छोटे छोटे अटैचमेंट्स के साथ मिल जाता है जिन्हें कि आप इस कटर के साथ अप्लाई करके इसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकेंगे। फिर वो चाहे गत्ता काटना हो या फिर प्लास्टिक का कोई टुकड़ा या फिर रबड़ वगैरह ही क्यों ना काटनी हो, ये सारे काम इस कटर से बहुत ही आसानी के साथ किए जा सकते हैं। साइज वाइज देखा जाए तो ये कटर काफी ज्यादा छोटा रहता है जिसे कि आप अपनी पॉकेट में डालकर भी कहीं भी आसानी से ले जा सकेंगे, और इसका ब्लेड को भी कुछ इस तरीके से रखा गया है कि इसे करना पूरी तरीके से सेफ रहता है जिससे कि बच्चे भी इसका इस्तेमाल क्राफ्ट वगैरह में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो एक तरीके का यूनिवर्सल कटर होता है जिसे कि आप अलग अलग मटेरियल्स के साथ यूज कर सकते हैं जो कि आपकी कटिंग के काम को और भी कहीं ज्यादा आसान बना देगा। नंबर 1, टेरा ट्रेंचर। फार्मिंग के दौरान अक्सर खेतों में छोटी छोटी नालियां काटनी पड़ती हैं जिससे कि पानी का आना जाना लगा रहे। इस काम को करने में अच्छी खासी मेहनत और मशक्कत दोनों ही लग जाती हैं। तो ऐसे काम के लिए अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के ऑटोमेटेड गैजेट को जो कि ट्रंचिंग का काम बहुत ही आसानी से कर सकता है। दिखने पर तो ये आपको एक वुड कटर जैसा लगता है लेकिन इसके जॉस काफी हैवी होते हैं जिसे कि आप जमीन पर इस्तेमाल करके नालियां वगैरह काट सकते हैं। इस तरीके के गैजेट का इस्तेमाल फार्मिंग के दौरान और भी काफी सारे इंडस्ट्रियल कामों में किया जा सकता है जैसे कि अगर जमीन के अंदर कोई लाइन बिछानी है और एक हल्का सा गड्ढा करना है वहां पर भी ये गैजेट आपके बेहद काम आएगा। तो ट्रंचिंग के इस काम को बेहद आसान बना देता है ये गैजेट जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों कमेंट करके बताएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार दोस्तों, देखते रहिए न्यूटेक गैजेट्स।